सो हे गाइज वेलकम बैक दिस इज़ अनमोल शुक्ला एंड ए वेरी वो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिस्ट्री विद मी टुगेदर वी विल मेक थिंग्स सिंपल ये कुछ टॉपिक्स जो हम अगले कुछ लेक्चर्स में कवर अप करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इकोनमिक्स पढ़ने वाले हैं क्या होती है आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ट्रेनिंग मैथड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेसिक कंसेप्ट इम्प्लॉय कॉम्पन्सेशन जॉब इवेल्युएशन ये सारे टॉपिक्स करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो लेट्स स्टार्ट डेज लेक्चर जिसमें हम एरगोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर इफ यू न्यू टू द इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस ऑल्सो इफ यू हैवन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप एट यू कैन जॉइन इट मोर देन एट हंड्रेड पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन यू कैन जॉइन टू लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लेट स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग वॉट एर्गोनॉमिक्स इज़ नाउ एर्गोनॉमिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल इट इज़ द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल यू यूजिंग साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन अ वे ताकि जो इम्प्लॉयीज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में आके उनको कंफर्टेबल फील हो इन ऑफिस उनको एफिशियंट फील हो और सेफ फील हो वाइल वर्किंग ऑन दर जॉब्स सो इट इज द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल इट इज द यूज ऑफ इट uh, is दी एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड physiological प्रिंसिपल दैट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग एंड इंजीनियरिंग थिंग्स जो कि मदद करता है चीज़ों को इस तरीके से डिज़ाइन या इंजीनियर करने में ताकि चीज़ों को आसान बनाया जा सके कम्फर्टेबल बनाया जा सके इफिशियंट बनाया जा सके और सबसे बड़ी बात सेफ़ बनाया जा सके फॉर पीपल टू यूज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल वेन यूर गोइंग टू वर्क इन ऑफिस इन फ्यूचर आप देखोगे कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है द वे यूर सिटिंग द सिटिंग अरेंजमेंट चेयर्स किस तरीके की हैं आर दे मेकिंग योर बैक स्ट्रेन, लाइटनिंग कंडीशन क्या है ऑफिस की द मोनिटर एट विच योर वर्किंग उसकी हाइट एडजस्टेबल है या नहीं ऐसा तो नहीं आपके बैक पेन हो रहा है वाई वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सो so, ये सारी चीज़ों को इस तरीके से अरेंज किया जा सके जाता है ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सकें आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेन ना हो आँखों में आपको किसी भी तरीके का पेन ना हो आपकी बैक में या बॉडी में इस तरीके से चीज़ों को इंजीनियर या डिज़ाइन किया जाता है कि मॉनिटर आपके लिए पहले से ही इस तरीके का अरेंज किया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर लेंथ और अकॉर्डिंग टू योर हाइट यू कैन एडजस्ट इट ताकि आपको किसी भी तरीके की अनकंफर्टेबलनेस ना आ, का सामना ना करना पड़े ठीक उसी तरीके से वाटर फैसिलिटी ड्रिंक ब्रेक्स या कॉफी ब्रेक्स या कॉफी मशीन्स रख दी जाती हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हो या उसके आसपास ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट कर दिए जाते हैं सो so, अभी हाल फिलहाल में मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे देखा था किसी ऑफिस में एक एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया बना था जहाँ पर जो साउंड प्रूफ था जहाँ पर जाके आप अंदर जाके बहुत ज़्यादा तेज़ शाउट करो ताकि आप अपना गुस्सा जो है वो निकाल पाओ और ऑफ uh, कोर्स बार वाले नहीं सुनेंगे सिंस द रूम इज साउंड प्रूफ बट यू कैन डू दैट तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं एंड दैट्स ऑल द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स सो इकोनॉमिक्स इट्स यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग एंड इंजीनियरिंग थिंग्स इन अ वे दैट मेक्स दैम कम्फर्टेबल इफिशियंट एंड सेफ फॉर पीपल टू यूज़ सो इट बिकम्स रियली इसशियल इन ए वर्क प्लेस यहाँ पर वेयर नहीं आएगा वर्क प्लेस के बाद में सो इट बिकम्स रियली इसेंशियल इन ए वर्क प्लेस ये वर्क प्लेस में बहुत जरूरी हो जाता है अब ज़रूरी तो होना ही चाहिए अब भाई जो इम्प्लॉयज़ और वर्कर्स काम कर रहे हैं हु गिविंग देयर टाइम ऑन फ्रॉम नाइन टू सिक्स और मे बी वॉट एवर द टाइमिंग ऑफ द जॉब इज़ बट दे आर गिविंग देयर नाइन आवर्स एट और नाइन आवर्स तो वो नौ घंटे बहुत होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स में इफ़ देर गिविंग दर नाइन आवर्स हम एज एज ए कंपनी हम यही चाहेंगे कि उनको किसी भी तरीके तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े क्योंकि अगर हम देखें कि भाई एक बंदा अगर दिन में नौ घंटे ऑफिस में दे रहा है इट मीन्स वीकली वो कितना देगा अराउंड सेवेंटी टू आवर्स वो दे रहा है ईयरली वो कितना देगा मंथली वो कितना देगा यानी कि वो आधे से ज़्यादा टाइम अपना ऑफिस में दे रहा है तो डेफ़िनेटली उसको बॉडी पेन ना हो उसको किसी भी तरीके की सिकनेस ना हो उसकी आँखें खराब ना हो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके चीज़ों को इस तरीके से डिजाइन और इंजीनियर करेंगे ताकि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो सेफली काम कर सके इफ़िशियंट मैनर में काम कर सके प्रोडक्टिविटी भी उसकी अच्छी हो एट द सेम टाइम वो कंफर्टेबल भी फील करे दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट सो द पर्पज़ ऑफ दिस इकोनमिक्स इज़ वी कैन से टू इम्प्रूव द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड देयर फिज़िकल सराउंडिंग लोगों और उनके जो आसपास का फिजिकल सराउंडिंग है उनके बीच के इंटरेक्शन को इम्प्रूव करना यही पर्पस है एयरकोनमिक्स का जस्ट नाइव गिव यू एन एग्जाम्पल फ्यू मिनट्स अगो कि भाई अगर बंदा काम कर रहा है बीच बीच में उसको हैडक हो सकता है सो वी हैव फैसिल फैसिलिटी ऑफ टी एंड कॉफ़ी इन द ब्रेकआउट रूम्स वी हैव ब्रेकआउट रूम्स यहाँ पर आप टी और कॉफ़ी जो है वो ले सकते हो इन बिटवीन आपको रिफ्रेशमेंट्स चाहिए होती हैं चीज़ों की कंपनीज वो प्रोवाइड करती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमें चीज़ों को इस तरीके से डिजाइन और इंजीनियर करना ज़रूरी है ताकि इम्प्लॉयी को सेफ फील हो कंफर्टेबल फील हो इफिशेंट फील फील हो और वो काम कर पाए इन अ वे जो कि uh, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लेट से ऑर्गेनाइजेशन इन विच आर वर्किंग सो मेनी थिंग्स आर देयर एज पर साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक अब लेट सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो आई डोंट थिंक सो अभी 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 तो आप कॉलेज में हो गए बट मे भी आपने अपने भाई आ, या किसी बहन से सुना हो कि सो मैनी थिंग्स आर देयर एज पर साइंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स लाइक द मोनिटर इन विच आर वर्किंग इट्स लेंथ कैन बी चेंज्ड सो दैट इज ऑल्सो एज पर दर साइंस और द साइंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स So the, the length of the monitor can be changed, the level of brightness in the, the level of brightness of the monitor or the lightning conditions in the office, the chair in which you're sitting. All of these things are arranged in a way to keep you comfortable by minimizing discomfort and maximizing productivity. Now the main purpose of these things is ki aap comfortable feel karo. आप कंफर्टेबल फील करोगे तो आप स्मूथली काम कर पाओगे लॉट ऑफ टाइम आपका अब लेट सपोज कि ये सारी चीजें लेट सपोज अ मोनीटर की हाइट को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो और मे भी आपको ऊपर देखना पड़ रहा है मोनीटर को देखते देखते योर योर हेड विल पेन एंड देर फोर यू नॉट एबल टू परफॉर्म दैट मच देन बट एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ें एडजस्टेबल होंगी यू है रूम्स you can go for, for coffee break or tea break and so ultimately your productivity maximize hogi. this is just an instance so the sum up is that it's all about making things work well with our bodies that's what ergonomics is so i hope you got an idea short a topic is mostly short type answer question mein jata, ergonomics you can read any article now you can refer any article now and you'll be good to go for your exam so we'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.